हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण अंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कोर एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस यू नो चैप्टर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट में हम लोग समझेंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मीन्स व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में उसी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यू नो दैट इज़ पार्ट नंबर 1 में समझेंगे कि ये जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे किसी देश को भाई उसकी ज़रूरत क्यों होती है ना, मतलब किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आखिर क्यों होती है, तो ये हम लोग पार्ट नंबर 1 में समझेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर बना कैसे था, क्या एक प्रोसेस था, तो ये बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे पार्ट नंबर 2 में। फिर उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे की फीचर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसे हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 3 में, है ना। तो टोटल हमारे पास में 5 फीचर्स हैं, तो उसमें से जो 2 फीचर है, सॉरी उसमें से जो 3 फीचर है, दैट इज़ यू नो दी फेडरलिज्म, जो दूसरा है दैट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो तीसरा है दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर, उसको हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 3 में। और लास्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे बाकी का जो 2 फीचर है, टोटल 5 फीचर है, 3 हमने पहले ही समझ लिया पार्ट नंबर 3 में, उसके बाद जो 2 फीचर है ना लास्ट वाले पार्ट में उसको समझेंगे, दैट इज़ यू नो द फंडामेंटल राइट्स एंड द सेक्युलरिज्म, है ना। तो जो फंडामेंटल राइट है और सेक्युलरिज्म है उसे लास्ट पार्ट 4th पार्ट में समझेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो पूरा चैप्टर है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट पार्ट इन विच विल डिस्कस 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाई यू नो सॉरी वॉट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो दूसरा टॉपिक है व्हाई एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बोर्ड में मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का सबसे सुप्रीम लॉ होता है ना, सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ यू नो रूल्स दैट इज रिटन, यू नो सेट ऑफ रूल्स which is required for you know governing the country, है ना, और which is you know accepted by all the people, जो कि सभी लोगों के द्वारा accept you know किया जाता है। So once again I am repeating, constitution is a supreme law of the country which is a written set of rules and regulation which is required for running a country or the governing a country and which is accepted by all the people, है ना। तो इस तरीके से आप constitution को define कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, क्यों किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किसी देश को इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से, उसकी मदद से देश को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। क्योंकि आप ही समझिए कि क्या आप किसी देश को बिना रूल्स और बिना रेगुलेशन के चला सकते हैं क्या। आप इमेजिन करिए, आपके बुक में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या उस गेम को बिना रूल और बिना रेगुलेशन के आप खेल सकते हैं क्या। आप खेल तो सकते हैं लेकिन उसमें फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन और क्योस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अवॉइड करते हुए एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, है ना, किसी भी चीज़ को एक बेहतर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमें किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने देश को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से चला सकें। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि भाई हमारा देश है ना का जो गवर्नमेंटल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्या वो डेमोक्रेटिक होगा, क्या वो डिक्टेटरशिप होगा, है ना, क्या वो मोनार्किक होगा, कि वो वन पार्टी कंट्री होगा, है ना। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमारे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। जैसे कि अगर आप भारत का बात करेंगे, तो भारत का जो देश है, भारत का जो पूरा सिस्टम है वो कैसा है,
एक कॉन्स्टिट्यूशन यू नो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत में, है ना। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो आई होप दिस सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो किस प्रकार का है। इसके साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि लोगों का एस्पिरेशन क्या है, उनको यू नो कौन से आइडियाज़ चाहिए अपने देश में। तो ये सभी कहाँ से हमें पता चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि लोगों को चाहिए इक्वालिटी, लोगों को चाहिए लिबर्टी, लोगों को चाहिए फ्रैटर्निटी, है ना। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसी देश का पढ़े तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि उस देश में रहने वाला जो यू नो नागरिक है और उस देश का जो सोसाइटी है वो कैसा है, ये आप आसानी से गेस कर सकते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, है ना। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यू नो पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। हमें किससे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अब कोई लेस पावरफुल से तो प्रोटेक्ट करेगा नहीं, है ना। हमसे जो पावरफुल है उसी से प्रोटेक्ट करेगा। तो आप ये बताइए कि हमारे देश में सिटीजन से ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो कौन होगा? वो गवर्नमेंट होगा, बिल्कुल। तो हमें हमारे गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने करप्ट और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी नंबर्स बढ़ते जा रही है ना। तो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट में बुरे लोग आ गए तो वो अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, और अगर वो मिसयूज़ करेंगे तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, है ना। तो हमें हमारे गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रोटेक्शन देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे देता है? हमें फंडामेंटल राइट्स देकर। तो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब मैं ये आपको आप लोगों को यू नो की फीचर्स जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद में एक और इसी में आप ले सकते हैं पॉइंट कि भाई ये हमें प्रोटेक्ट करता है ना सिर्फ गवर्नमेंट से बल्कि डोमिनेंट ग्रुप से भी। मान लीजिए कि मैं किसी माइनॉरिटी ग्रुप से आता हूँ। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सोसाइटी किसी भी कंट्री का है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को कहा जाता है मेजोरिटी और दूसरे को कहा जाता है माइनॉरिटी, है ना। तो मेजोरिटी मतलब वो लोग जो कि ज़्यादा नंबर में होते हैं, और माइनॉरिटी मतलब वो लोग जो कि कम नंबर में होते हैं। जैसे अगर भारत देश की बात करें तो जो हिंदू हैं वो पूरे भारत देश के 80% हैं, है ना। तो मेजोरिटी कौन होगा भारत में? हिंदूज। और जो बाकी नॉन हिंदूज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिज़्म हो, है ना, तो ये सभी जो रिलीजियस यू नो कम्युनिटी के लोग क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या कम है, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी को। तो कई बार क्या होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो यू नो कोशिश करते हैं डोमिनेट करने को किसके ऊपर में? जो जिनकी संख्या कम होती है। एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो कोशिश करते हैं किसके ऊपर डोमिनेट करने का? जिनकी संख्या कम होती है ना। तो मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर। तो इनसे माइनॉरिटी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो माइनॉरिटी लोगों को प्रोटेक्शन यू नो कौन देता है? यू नो मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेजोरिटी कम्युनिटी और मेजोरिटी ग्रुप कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी पीपल, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और उसके बाद में एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है हमारे खुद से कि भाई हम जो है मतलब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले ले, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं भाई कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट चलाती है, वो अपनी पॉकेट यू नो ही भरने में पूरा टाइम स्पेंड करती है, करप्शन करती है, है ना, ब्लैक मनी जनरेट करती है, और लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। तो ऐसा हम लोगों में से बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन यू नो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। लोग ये सोच सकते हैं कि भाई उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो बेहतर है कि हमारे पास में कोई मोनार्की गवर्नमेंट हो। मोनार्की गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पर किंग और क्वीन होते हैं, है ना, या फिर
यू नो डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि अकेला राज करता हो, जैसा कि हिटलर है ना, तो वो ऐसा भी ड्रीम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्किक सिस्टम में जाते हैं तो इनिशियल ईयर्स में तो अच्छा रिजल्ट हो सकता है ना, अगर बेहतर किंग या फिर बेहतर डिक्टेटर हुआ तो अच्छा रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आप लॉन्ग रन में देखिए, लॉन्ग पीरियड में देखिए, है ना, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वो रिपीट होते जाता है तो एक अलग सा ही यू नो मिस गवर्नेंस स्टार्ट होने लगता है, तो वो बिल्कुल भी कंट्री के लिए सही नहीं होता। तो अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो कई बार हम लोग गलत डिसीजन यू नो ले सकते हैं जिससे यू नो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें गलत डिसीजन लेने से कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, क्योंकि हम अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते। हम कैसे डिसीजन लेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। अब इसके बाद में यू नो कुछ पॉइंट्स और है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक ट्रस्ट पैदा करता है सोसाइटी में, है ना, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को ये विश्वास है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देती है, अथॉरिटी देती है। कोई भी गवर्नमेंट हमारा कुछ यू नो बुरा नहीं कर सकता, कोई अदर इंडिविजुअल हमारा बुरा नहीं कर सकता, कोई मेजोरिटी यू नो ग्रुप हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक अलग सा ट्रस्ट पैदा होता है देश में, विश्वास पैदा होता है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए और लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर भी विश्वास पैदा करने के लिए। सो दिस इज यू नो ऑल द पॉइंट्स व्हाई यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन एनी कंट्री। एक बार फिर से मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि कंट्री को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये है कि किसी कंट्री का गवर्नमेंटल सिस्टम कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिक्टेटर होना चाहिए, मोनार्किक होना चाहिए, ये हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है ना। तीसरा मैंने क्या बताया था कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि उस देश के लोगों की सोच क्या है, उस देश का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसा है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आइडियाज़ होते हैं ना, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से जो है वो आप ये गेस कर सकते हैं कि उस देश के लोग और उस देश का समाज कैसा होगा। चौथा चीज़ मैंने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस। कैसे प्रोटेक्ट करेगा भाई? हमें बहुत सारी यू नो चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमें गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देकर, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको मेजोरिटी से प्रोटेक्ट करता है, और हमें खुद यू नो गलत डिसीजन लेने से भी प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद में मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे बीच में है ना, लोगों के बीच में और लोगों का सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या डेवलप करता है? ट्रस्ट डेवलप करता है ना। तो ट्रस्ट लाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो दीज आर ऑल दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाई वी नीड यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री। ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर बना कैसे था, है ना, कैसा उसका सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।